नमस्कार, मैं आचल लोखंडे, महाराष्ट्र टीवी 24 के खेल समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं खेल जगत की कुछ अहम खबरों पर। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता भारत की पीवी सिंधु ने दक्षिण कोरिया की सिम यूजिन को हराकर इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी ने मलेशिया के गोहजे फेई और नूर इजुद्दीन को सीधे गेम में हरा कर 21-19 से बढ़त हासिल की, सेमीफाइनल में जगह बनाई। मौजूदा विश्व चैंपियन एवं तीसरी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु ने यूजिन को क्वार्टर फाइनल में 1 घंटे और 6 मिनट में 14-21, 21-19, 21-14 से हराया। अब उनका सामना दूसरी वरीयता प्राप्त थाईलैंड की इंतानोन रेचानोक से होगा। दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 के नए वेरिएंट के कारण भारत में अगले महीने के दौरे को लेकर चिंता पैदा हो गई है। 17 दिसंबर से शुरू होने वाले 7 सप्ताह के दक्षिण अफ्रीका दौरे में भारत को 3 टेस्ट, 3 वनडे और 4 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने हैं। ये मैच जोहान्सबर्ग, सेंचुरियन, पार्ल और केपटाउन में होंगे। देश के उत्तर हिस्से में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और टेस्ट श्रृंखला के कम से कम 2 स्थलों जोहान्सबर्ग और प्रिटोरिया इस नए स्वरूप की चपेट में आ सकते हैं। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि जब तक हमें क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका से वहां की स्थिति का पता नहीं चल जाता, तब तक हम अगले कदम के बारे में नहीं बता पाएंगे। FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए गत चैंपियन भारतीय टीम को शनिवार को पोलैंड के खिलाफ पूल बी का आखिरी मैच हर हालत में जीतना होगा। भारत के लिए यह करो या मरो का मैच है। टूर्नामेंट में भारत को पहले ही मैच में फ्रांस ने 5-4 से हराकर उलटफेर कर दिया था। इसके बाद कनाडा जैसी कमजोर टीम पर धमाकेदार जीत हासिल की। भारत पूल बी में दूसरे स्थान पर है, जबकि फ्रांस दोनों मैच जीतकर शीर्ष पर है। पोलैंड तीसरे स्थान पर है। मुख्य कोच ग्राहम रीड ने कहा कि अब हमें हर मैच जीतना होगा, तभी खिताब बरकरार रख सकेंगे। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपको घर की जरूरतों का सामान लेना है तो सीधा आइए स्मार्ट सुपरमार्केट और पाइए ग्रोसरी का हर सामान एक ही छत के नीचे, वो भी वाजिब दामों में। तो आइए स्मार्ट सुपरमार्केट सुकले बंधु। हमारा पता प्लॉट नंबर 9 दत्तनगर विंध्यवासिनी लॉन के पास घोगली रोड बेसा नागपुर। होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 8888876878। सोने चांदी के आभूषणों के लिए आइए एकमेव विश्वसनीय ज्वेलरी शॉप श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स में। श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स लाया है दिवाली पर खास ऑफर्स। 10 ग्राम के सोने खरीदी पर पाइए 5 ग्राम का चांदी का सिक्का फ्री।
संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी और लेटेस्ट ज्वेलरी डिजाइन्स मिलने का हिंगा का एकमेव ज्वेलरी शॉप। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट भी स्वीकार किए जाते हैं। बहुत ही जल्द अब नई शाखा जलाराम मंगलम में, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे। श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, पारधी नगर, हिंगा रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9423102449। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, देखते हैं अगली खबरें। तेज गेंदबाज टीम सऊदी के 5 विकेट की मदद से भारत को 345 रन पर आउट करने के बाद अपने सलामी बल्लेबाजों के विंग यंग और टॉम लाउथ की अर्धशतकीय पारियों के दम पर न्यूजीलैंड ने पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन ठोस शुरुआत की और बिना किसी नुकसान के 129 रन बना लिए। श्रेयस अय्यर के पदार्पण टेस्ट में शतक को छोड़कर दूसरे दिन का खेल न्यूजीलैंड के नाम रहा। सऊदी ने पहले सत्र में गेंदबाजी में दबदबा बनाया तो दूसरे सत्र में बल्लेबाजी में यंग और लाथम ने भारत के गेंदबाजों को दबाव नहीं बनाने दिया। यंग ने 180 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 75 रन बना लिए, जबकि लाथम 165 गेंद में 50 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारतीय महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण ने मानोस में 4 देशों की टूर्नामेंट में ब्राजील के खिलाफ मैच के किए गए गोल को सोने पे सुहागा करार दिया। भारतीय महिला टीम के लिए एकमात्र गोल मनीषा ने किया। भारत ने पहले हाफ के अंत तक मजबूत ब्राजील टीम को ज्यादा गोल नहीं करने दिए, हालांकि बाद में उसे 1-6 से हार का सामना करना पड़ा। विंगर मनीषा ने 8वें मिनट में बाएं पैर से भारत के लिए बराबरी गोल किया, जिससे पहले डेबोरा ओलिविएरा ने 2007 विश्व कप उपविजेता टीम को मैच के पहले मिनट में बढ़त दिला दी थी। मनीषा ने कहा कि ब्राजील के खिलाफ खेलना मेरे लिए सपने का सच होना था और उसके खिलाफ गोल करना सोने पे सुहागा था। और खेल समाचार में वक्त हो चला है यही रुकने का। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।